Hi guys, welcome back. So was finally the title track of Bhool Bhulaiya 3. Kartik Aaryan is out now. Bhai sahab, kaisa response chal raha hai? Mujhe ye song kaisa laga hai? Sab kuch batati hu aapko is video mein. Video ko end tak zarur dekho, channel ko subscribe. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द लेग वर्क ऑफ कार्तिक आर्यन. भाई साहब, जब वीडियो शुरू होती है तो मुझे वो जो मीम है हे राम हरे राम कृष्ण हरे वाला, वो जब आता है मुझे बहुत सही लगा था वो सॉन्ग में. एंड देन वी सी दोस आइकॉनिक मूव्स ऑफ कार्तिक आर्यन. मुझे नहीं पता था भाई इतना जबरदस्त लेग वर्क कर लेते हैं, इतना जबरदस्त डांस कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू डांसिंग. बिकॉज यूजुअली हमने देखा कि कार्तिक आर्यन इज नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स, नॉट हिज वन टेक शॉट्स ऑफ डांसेस. बट हियर वी सी अ डिफरेंट कार्तिक आर्यन. हियर वी सी समबडी हु इज इन हिज एलिमेंट. मतलब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और वो बैंगर रहने वाला है पूरी तरीके से. नाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. मुझे लग रहा था यार भाई इस वीडियो में कम से कम दिलजीत दोसांझ और पिटबुल, ये दोनों तो कहीं ना कहीं दिखाई देंगे. मैं एंड तक वेट करती रही कि भाई अब आएंगे, लेकिन नहीं दिखते हैं अब. लेकिन यहाँ पर जो फैंस हैं और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, देखो मुझे ऐसा लगता है मिक्स्ड सी राय आएगी इस रिव्यू इस सॉन्ग की, मुझे पता है, और अब तक आ भी चुकी होगी. लेकिन ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये लोग कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म में दिखाने वाले हैं. मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये सॉन्ग ना आएगा और ये आएगा या तो एंड क्रेडिट में आएगा, और इसमें 100% अक्षय पाजी हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं. अब ये कितनी रियलिटी होती है कितनी नहीं होती है वो तो हमारे को समय के साथ पता लगेगा. लेकिन माय गट फीलिंग सेज दैट यू नो दिस इज नॉट द सॉन्ग दैट वी आर गोइंग टू सी ऑन द बिग स्क्रीन. क्योंकि ये काफी यू नो देयर इज नथिंग न्यू. डांस तो कर रहे हैं वो, कार्तिक आर्यन का डांस बहुत अच्छा चल रहा है, लेग वर्क बहुत अच्छा है, वन टेक शॉट्स हैं, वो सीढ़ी उतरते हैं जिस तरीके से मजा आ जाता है, मतलब माइकल जैक्सन वाली फील आ जाती है. मगर वो जो स्पाइस है ना, वो तड़का अभी इसमें लगा नहीं है. अभी तड़का लगेगा, वो मुझे ऐसा लगता है वो लगेगा जब फिल्म आएगी और हम बिग स्क्रीन पे देखेंगे. और इस सॉन्ग में बहुत सारे कैमियोज होने वाले हैं, दिस इज व्हाट आई फील, जो मतलब ट्रेडमार्क हो सकता है भूल भुलैया का. अभी देखो कितने सारे तो एक्ट्रेसेस हैं इसमें, ठीक है, कितनी सारी फीमेल लीड्स की हम बात करते हैं. तृप्ति डिमरी है, क्यारा का भी हो चुका है कि भाई क्यारा आडवाणी भी है, माधुरी दीक्षित है, हो सकता है तब्बू भी हो सकता है और भी कोई हो, कौन है कौन नहीं है वी नो, बट फ्यू नेम्स, कई नाम तो हमको पता ही है कि ये लोग तो हैं ही हैं. अब ये सॉन्ग में फीचर क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉन्ग में हमको कोई फीमेल लीड नहीं दिख रही है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ कार्तिक आर्यन दिखते हैं, और नीरज श्रीधर की आवाज है, दिलजीत दोसांझ की आवाज है, पिटबुल की आवाज है. लेकिन ये जो अपियरेंसेज हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं, जो कैमियोज है जिनका हम वेट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू शो देम ऑल ओनली इन द मूवी वर्जन. केवल मूवी वर्जन में हमारे को सुनाई और दिखाई देने वाले हैं. क्योंकि इस वक्त पे यार ऐसा भी नहीं हो सकता कि गाने में कुछ तड़का ना डाला हो. ग्लैमर का टाइम है भाई, एक भी ग्लैमर क्वेश्चन नहीं है. आप देखो कोई भी एक्ट्रेस नहीं है इसमें, जबकि तृप्ति डिमरी भी है फिल्म में, तो वो भी नहीं है, ठीक है, क्यारा भी मैं बोल रही हूँ नहीं है. बट ओवरऑल अगर हम सॉन्ग की बात करते हैं, सॉन्ग के रिसेप्शन की बात करते हैं, तो जितने भी कार्तिक के फैंस हैं और जितने भी भूल भुलैया के फैंस हैं, भाई सभी को मजे आ गए, सबको बहुत पसंद आया है सॉन्ग तो. लेकिन इस सॉन्ग पे व्यूज कितने आ चुके हैं इस वक्त पर, पहले वो देख लेते हैं कि अब तक व्यूज कहाँ पहुंचे. भाई 7 लाख व्यूज जो है वो तो तभी हो गए थे जब मैंने ये सॉन्ग मतलब देखा था, नहीं सॉरी मतलब 70,000 व्यूज होते, अभी 7 लाख व्यूज हो चुके हैं एक घंटे में. और ये 7 लाख भी नहीं है, ये तो अभी आगे चल के और बढ़ेगा, और ये फाइनल एग्जैक्ट नंबर होता भी नहीं है, वो तो उनके पास ही होगा नंबर. बट इट इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 14, अभी ये नंबर 14 पर चल रहा है ऑलरेडी. अगर हम इसके नंबर ऑफ लाइक्स देखें तो 221,000 इसके लाइक्स हो चुके हैं, नंबर ऑफ कॉमेंट्स 25,000 कॉमेंट्स अभी तक आ चुके हैं. लोग मतलब भूल भुलैया नॉस्टैल्जिया में आ गए हैं. अब ये एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कि क्या इस सॉन्ग से इस फिल्म का और इंटरेस्ट और हाइप बढ़ जाएगा. 100% ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी भी इस वक्त भी मैं आपको जस्ट नाउ IMDB के आंकड़े पर ले चलती हूँ कि क्या ये कल से अब तक कुछ चेंज हुआ है या नहीं. तो बॉस कहानी यहाँ पूरी तरीके से पलट चुकी है. कल कितना था? 40% का इंटरेस्ट रेट था, अभी भी नंबर 1 पे है भूल भुलैया, और अब इंटरेस्ट हो चुका है 46%. सामने वाली टीम को आप देख सकते हो यहाँ पे, सिंघम को 38.9 पे नीचे आ गई है और भूल भुलैया ऊपर पहुंच चुकी है. तो यहाँ पर क्या ये इस सॉन्ग से और बढ़ने वाला है? मुझे लगता है कल तक जब हम ये IMDb इंटरेस्ट देखेंगे ये 60% के आसपास हो सकता है, बशर्ते सिंघम की कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाती है. अब मैं आपको बताती हूँ एक बेनिफिट है, कल है वाल्मीकि जयंती, कल है छुट्टी का दिन. मेरी पता नहीं इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मुझे कि ये दिन खाली नहीं छोड़ेगी सिंघम की टीम, कुछ ना कुछ करने वाले हैं, वो भी सॉन्ग्स लेकर के आने वाले हैं. लेकिन जहां तक सॉन्ग की बात है, जहां तक हाइप की बात है, भाई भूल भुलैया द ओजी भूल भुलैया, मुझे तो नीरज श्रीधर की आवाज में बहुत मजा आया सुनकर के. आई एम सो हैप्पी दैट उनकी उनकी वॉइस को रिप्लेस नहीं किया गया, बिकॉज उन्हीं की तो असली वॉइस है. और मैं चाहती हूँ कि जब हम ये फिल्म वर्जन में ये सॉन्ग देखें तो भाई अक्की बाजी भी आए सामने, भाई मजा आ जाएगा. जस्ट इमेजिन
क्या होगा. ओवरऑल आई लाइक दिस सॉन्ग, ओवरऑल ठीक है. एक्सपेक्टेशंस काफी थी, थोड़ी सी लोअर डाउन हो गई, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि इस सॉन्ग में कुछ तो इन लोगों ने छुपा के रखा है जो अभी नहीं दिखा रहे हैं. बाकी आपको ये सॉन्ग कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.